राधे राधे आप सभी साथियों को मोहन एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज इस पोस्ट में जानेंगे मोहन एकादशी के दिन बनने वाले विशेष संयोग के बारे में और साथ ही जानेंगे इस दिन के कुछ विशेष उपाय। 19 मई 2024 को मोहन एकादशी का व्रत किया जाएगा इस साल। बता दें कि हर महीने में दो एकादशी पड़ती हैं और सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने की परंपरा है। मोहनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त मोह व बंधनों से मुक्ति मिलती है और वो जीवन में एक के बाद एक तरक्की करता चला जाता है। इस साल मोहनी एकादशी पर कई शुभ योग और संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस दिन कुछ खास उपाय करने से आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति, अपने जीवन की उन्नति सुनिश्चित और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। इस साल मोहनी एकादशी पर कई योग का शुभ संयोग बन रहा है। मोहनी एकादशी के दिन अमृत व्रत और सिद्धियों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस साल बैसाख की इस एकादशी पर यदि आप परेशान हैं तो आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं इस दिन के शुभ योग का समय और विशेष उपाय। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन सुबह 4:05 से लेकर के सुबह के 4:47 तक है और प्रातः संध्या का समय है सुबह 4:26 से लेकर के शाम के 5:28 तक। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:50 से लेकर के दोपहर के 12:45 तक। और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 2:34 से लेकर के 3:39 तक। और इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम के 7:06 से लेकर के 7:27 तक। और मोहनी एकादशी के दिन स्याह संध्या का समय है शाम को 7:07 से लेकर के 8:09 तक। और अमृत काल का समय है रात में 8:33 से लेकर के 10:20 तक। और इस दिन निष्ठा मुहूर्त का समय है रात्रि में 11:57 से लेकर के 20 मई को 12:38 तक। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग का समय। इस दिन द्विपुष्कर योग का समय 20 मई को सुबह 3:16 से लेकर के 5:28 तक है। और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा सुबह 5:28 से और 20 मई को 3:16 तक रहेगा। और अमृत सिद्धि योग का निर्माण होगा इस दिन सुबह 5:28 से और ये 20 मई को 3:16 तक रहेगा। तो ये थे इस दिन के शुभ योग संयोग के समय। अब जानते हैं इस दिन के विशेष उपाय। पहला उपाय विशेष इच्छा पूर्ति का है। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जिसे आप जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं तो मोहनी एकादशी के दिन अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए एक नया पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लें। अगर आपके घर में कोई नया पीले रंग का कपड़ा मौजूद ना हो तो बाज़ार जाकर एक पीले रंग का रुमाल खरीद लाएं, वहां आसानी से आपको मिल जाएगा। फिर उस रुमाल के चारों ओर किनारे पर एक चमकीले रंग का गोटा लगाएं और श्रीहरि के मंदिर में जाकर वो रुमाल भेंट कर दें। साथ ही भगवान से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। हर की कृपा से आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और इस दिन का दूसरा उपाय जीवन में उन्नति के लिए है। जीवन में उन्नति के लिए मोहनी एकादशी के दिन अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर
भगवान विष्णु की धूप दीप आदि से विधिपूर्वक पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद लें। मोहनी एकादशी के दिन तीसरा उपाय जीवन साथी से रिश्ते की मजबूती के लिए है। अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते में मजबूती लाने के लिए मोहनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने के बाद श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जप करें। श्री विष्णु गायत्री मंत्र इस प्रकार से है। ओम नारायणाय विग्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और अगला उपाय बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए है। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो मोहनी एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें और भरपेट भोजन कराएं, साथ ही अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा भी दें। अगर ब्राह्मण भोजन के लिए स्वयं घर पर ना आ सके तो एक थाली में भोजन निकालकर उनके घर दे आएँ और वहीं पर पैर छूकर उन्हें कुछ दक्षिणा भी दें। अपने करियर की बेहतरी और अपने आप को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए मोहनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 108 बार जप करें। और अगला उपाय पारिवारिक जीवन की खुशहाली के लिए है। अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए मोहनी एकादशी के दिन पीले ताज़ा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं, साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। दाम्पत्य जीवन की मधुरता के लिए अगला उपाय है। अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए मोहनी एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु विधिपूर्वक पूजा करें, उसके बाद केले के वृक्ष की जड़ में पानी डालें और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ देर शांत मन से केले के वृक्ष में भगवान का ध्यान करें। इसके साथ ही साथ मोहनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ये उपाय करें। इन उपायों से हर तरह के संकट दूर होकर भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। हर तरह के संकटों के निवारण हेतु इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का तुलसी माला से अधिक जप करें। इसके साथ ही इस दिन पीले फल वस्त्र और पीले पुष्प श्री विष्णु मंदिर में अर्पित करें और दक्षिणावर्ती शंख की विधिवत पूजा करने से लाभ होगा। श्री हरि को पीले रंग की वस्तु अर्पित करना शुभ होता है। और इसके साथ ही जो विवाह योग जातक हैं उनको इस दिन पीले फूलों से श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करके अपनी मनोकामना मांगते हुए शीघ्र ही शादी की कामना करें। श्री हरि आपके मन की मुराद अवश्य पूरी करेंगे। और मोहनी एकादशी के दिन तुलसी के समक्ष घी का दिया जलाएं और कम से कम 11 परिक्रमा करें। इतना ही नहीं, इस दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करके दीपक प्रज्वलित करें और इसकी भी परिक्रमा करें। ये उपाय फलदायी साबित होगा। और एकादशी पर खीर में तुलसी पत्ता डालकर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इससे पहले श्री विष्णु जी का गंगा जल और केसरयुक्त दूध से अभिषेक करेंगे तो विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो ये थे दोस्तों मोहनी एकादशी के दिन करने वाले कुछ बहुत ही विशेष उपाय। इन उपायों से आप अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी उपाय कर सकते हैं। श्री हरि नारायण की कृपा से जो शुभ संयोग बने हैं उससे आपके सभी कार्य सफल होंगे। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं दोस्तों। हम लीवर सोसिस से गंभीर
बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्त बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझकर आप सभी लोग अपना साथ और सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।